हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाएंगे कैसे आप जो है जो मशीन की मोटर है वो मशीन में फिट कर सकते हो। तो देखो, आप जो मशीन की मोटर जब खरीद के लाओगे ना, तो देखो इधर आपको जो है टोटली में तीन चीज़ें यहाँ पर जो है मिलेगी। सबसे पहले हमारी मोटर जो हमारी सबसे मेन चीज़ है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में ये हमारा पैडल जिस पर हम जो है मतलब पाँव रख के उसके बाद जो है ये जो जैसे मोटर चलेगी वो मिलेगा सेकंड में आपको। मुझे थर्ड में आपको मिलेगा रबड़ जो कि मैंने जो है अपनी मशीन पे जो फिट कर चुका है, जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और साथ ही में लास्ट में हमको मिलेंगे कुछ स्क्रू और जो पेचेस, ठीक है। ये चार चीज़ आपको जो है टोटली में मिलेगी। तो देखो आपको करना क्या, सिंपली आपको जो सबसे पहले जो अपनी मोटर लेनी है उसके साथ जो आपको ये चीज़ और मिलेगी एक और। तो इसमें आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको जो इसको लेना है, उसके बाद जो है इधर आपको फिट करना है इधर, और इधर जो अपना पेच है एक आपको मिलेगा वो उसको जो आपको इसको डाल के इधर जो आपको डाल के इधर जो कस देना है। तो देखो ये जो है ऐसे हो जाएगी और जो है बिल्कुल भी हिलेगी नहीं, एकदम टाइट जो इसको आपको कसना है ताकि जो हमारी मोटर है वो एकदम जो फिट रहे और जो है हिले डुले नहीं, ठीक है। तो इधर जो आपको कुछ ऐसे सेट कर लेना, मैंने आपको करके नहीं बताया पर आप जो कर लेना, बहुत ही इजी सा प्रोसेस है, ठीक है। इधर ये आपको अलग से मिलेगी, ये आपको इधर जो सेट करना है, इधर जो ये ऐसे स्क्रूज आपको कस देना एकदम टाइट। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी मशीन के ऊपर और उधर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो इसको मोटर को जो है इजिली सेट कर सकते, ठीक है। तो देखो इन दोनों चीजों की जो हमको जरूरत पड़ेगी, तो चलिए मोटर जो है हमारी मशीन पे चलते हैं। तो देखो अब हम जो है हमारी मशीन पे आ गए और देखो ये सामान जो हमको जरूरत पड़ेगी, तो ये हमारी मोटर जिसको जो हम इधर सेट करेंगे और जो हमको जो है सब औजार की जरूरत पड़ेगी जैसे कि पेचकस की, ठीक है। साथ ही में एक पानी की और साथ ही में आपको जो एक स्क्रू मिलेगा इसके साथ मशीन के साथ ही जो कि हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। और साथ ही में मैंने जैसे आपको बताया था एक रबड़ भी मिलेगा आपको। तो देखिए ये रहा हमारा रबड़। तो देखो ये रहा हमारा रबड़ जैसे मैंने आपको बताया था जो कि आपको जो मशीन के साथ ही मिलेगा, आपको जो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। और ये जो बहुत ही हार्ड रबड़ होगा जो कि हमको जो मशीन के साथ जो सेट करना पड़ेगा। तो देखो आप सेट करते हैं हमारी मशीन को, तो देखो ये रही हमारी मोटर, ठीक है। तो देखो इसमें जो पहले से मतलब सेट नहीं होगा आपको मैंने बताया जैसे कि आपको सेट करना पड़ेगा। अब इधर आपको जो इसको कैसे लगाना मैं आपको बता दूं। तो देखो मशीन के यहाँ पर ये देखो ये लंबी सी आपको जो एक्स्ट्रा में भार आएगी कुछ चीज दिख रही होगी, देखो ये। तो देखो यहाँ पर जो हमको एक स्क्रू का जो है एक ऑप्शन दिख मतलब जो एक छेद दिखा जाएगा, तो इसमें जो हमको स्क्रू लगाना पड़ेगा। वही जो मोटर है इसको जो है हमको इधर सेट करना है। तो देखो इधर जो आपको कैसे सेट करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो दिख रही है ना ये भार आई हुई, तो इसको जो है इधर एकदम सेट करना है। तो देखो इससे बराबर होनी चाहिए, अगर इसे बराबर नहीं करोगे आप तो जो हमारा रबड़ है उसको सेट करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी और आपकी जो मोटर है वो भी जो ऊपर नीचे हो जाएगी। तो देखो इसके जो है आपको ये बराबर जो है सेट करना है, ठीक है। तो देखो ये जो हमको स्क्रू का छेद दिख रहा है और इसमें जो हमको स्क्रू लगाना है, तो देखो इसको बराबर से आप जो सेट कर लो जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हमको जो जो स्क्रू लगाना है, तो जो आपको स्क्रू मिला है तो देखो ये रहा हमारा स्क्रू, ठीक है। तो इसको जो हमको इधर लगाना है, तो मैं जो इसको लगा रहा हूँ उसको अच्छे से सेट करके आपको जो देख के एकदम लगाना पड़ेगा। और जिसको थोड़ा सा आप जो हाथ से टाइट कर दो उसके बाद आप जो पेचकस है उसकी मदद से इसको जो टाइट कर लो, तो ठीक है। तो मैं जो पेचकस की मदद से इसको जो टाइट करता हूँ और आपको जो एक पानी की भी जरूरत पड़ेगी लास्ट में ताकि इसको एकदम टाइट करने के लिए, क्योंकि जो है इसको जो है हमको एकदम टाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो हमारा जो पेच का काम जो खत्म हो गया, अब जो हमको जरूरत पड़ेगी पानी की, जो इससे ज्यादा टाइट जो है इसमें नहीं हुआ, ठीक है। तो देखो अब आपको जो पाना लेना पड़ेगा जिससे जो हमको ये जो पेच है वो एकदम टाइट करना पड़ेगा। देखो मैं जो है अभी पानी की वजह से जो इसको टाइट कर रहा हूँ। तो देखो अब हम इसको जो टाइट करेंगे ना, उससे पहले आपको जो ये हमारा रबड़ है, देखो ये हमारा रबड़, तो इसको जो आपको इस जो मोटर है इसमें जो आपको सेट करना है, तो देखो इसको आपको पहले सेट करना है, आपको जो बाद में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो देखो इसको थोड़ा सा टाइट किया मैंने, इसको जो ज्यादा टाइट नहीं किया, ठीक है। तो अब मैं जो इस रबड़ को जो है इधर लगा देता हूँ। तो देखो इसमें जो मशीन मशीन आपको सेट करके इसके आगे जो आपको इसको सेट करना है, तो देखो ये थोड़ा टाइट है, इसमें थोड़ी दिक्कत होगी पर कोई बात नहीं, आपको जो थोड़ा आगे लाके इसको मैंने जो है यहाँ पे इसको रबड़ को जो सेट कर लिया। तो देखो आराम से जो है इजिली जो सेट हो गया। तो अब जैसे ये मोटर घूमेगी वैसे वैसे जो हमारी मशीन घूमेगी, ठीक है। तो अब इसको जो हमको और भी ज्यादा टाइट करना ताकि जो है हमारी जो मोटर है वो बिल्कुल भी हिल ना, ठीक है। तो देखो इसको मैं जो पानी की मदद से जो एकदम टाइट कर देता हूँ, जितना टाइट हो सके उतना टाइट इसको जो आपको करना है ताकि जो हमारी मोटर है वो जो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो और जो हिले भी नहीं हो। देखो मैं जो पानी की मदद से इसको जो एकदम टाइट कर देता हूँ और कुछ जो आपको ऐसे ही जो आपको करना है, अपनी जो मोटर है उसको सेट करेंगे आपको जो कुछ ऐसे करना है। बस आपको मेन ध्यान रखना है आपको जो अपना रबड़ जो है सेट करना है कैसे ना कैसे करके, आप जो ये जो जब थोड़ा सा टाइट हो जाए तभी आपको जो रबड़ सेट कर लेना है। तो देखो अब जो मैंने पानी की मदद से एकदम जो इसको टाइट कर दिया है, अब देखो इससे ज्यादा भी टाइट नहीं होगा, ठीक है। आपको एकदम टाइट कर लेना, तो जिससे जो हमारी मोटर है बिल्कुल भी नहीं हिली, देख लो ये बिल्कुल। तो देखो ये हमारा पैडल है, देखो कैसे सेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इसमें आपको सिंपल से निकल सके आप उसको जो निकालो, तो देखो इधर जो हमारा जो पैडल निकला और साथ में जो इसकी डोरी निकली जिसको जो हमको कनेक्ट करना है। तो देखो इसको कनेक्ट किया सिंपली आपको देखो सबसे पहले जो है उसको खोल लेना है। तो देखो जो है हमारी डोरी खुल चुकी है। अब इसमें देखो आपको दो चीज मिलेगी मेन, देखो सबसे पहले मिलेगा आपको ये वाला सॉकेट,
और इसमें एक बार मैं आपको ये वाला चाहते हैं। तो देखो अभी दोनों आपको करना क्या है, देखो एक तो जो है आपको सीधा जो है अपने जो प्लग है उसमें जो कनेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो मेन स्विच बोर्ड होता है उसमें, वो जो हमारे सेकंड वाला है इसको आपको क्या करना है, देखो हमारी जो मोटर वाला है ना ये वाला प्लग जो कि हमारे मोटर से निकलता है उसको आपको जो इसमें डालना है, जिससे जो है आपको एक कनेक्ट हो जाएगा और जो इससे और ये जो मोटर ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, और जैसे आप उसको जो दबाओगे जितना दबाओगे उतनी जो है मोटर जो आपकी ज्यादा स्पिन करेगी, मतलब जो चलेगी, ठीक है। तो देखो हमको जो सबसे पहले इसको लगाना है, तो मैं जो इसको लगाए थे तो देखो ये जो है हमारे इसको जो सेट हो गया है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला जो हमारा स्विच है वो जो सीधा हमको जो प्लग में कनेक्ट करना है, ठीक है, कोई ज्यादा झंझट नहीं है। तो देखो इसको जो हमको सीधा कनेक्ट करना है, मैं जो इसको प्लग में सीधा कनेक्ट कर देता हूँ और आपको बताता हूँ इसको मोटर को चला कर, ठीक है। तो देखो अब जो मैंने हमारे जो मेन स्विच है उसमें जो है वायर को जो है कनेक्ट कर दिया है। तो अब कुछ नहीं करना आपको, जो है जितना आप इसको दबाओगे उतनी जो है मोटर जो है ज्यादा स्पिन करेगी। तो देखो मैं इसको दबाता हूँ, तो देखो जो हमारी मोटर है इसको यूज कर दिए, आप जितना ज्यादा इसको दबाओगे उतना ज्यादा मोटर चलेगी। तो देखो मैंने जो है आपको अपनी जो मोटर है वो सेट करके बता दिया, तो आप भी जो है कुछ इसी तरीके से अपनी जो मोटर है वो इजीली जो सेट कर सकते हो। देखो ज्यादा भी टाइम नहीं लगा आपको, जैसे 10 मिनट में आपकी जो मोटर है वो सेट हो जाएगी। तो कैसे लगे आपको वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने तरफ से इस वीडियो को एक लाइक करना, अपने वीडियो को शेयर करना और साथ ही चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।